जो हमारे बड़े छोटे भाई बहन हैं, मंच पे जो लोग इस आयोजन के करता है और जो हमारी दीदी लोग सामने महिलाएं बहने बैठी हैं, उन लोगों को विशेष प्रणाम हमारी तरफ से। जय सियाराम, जय जय सियाराम। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस क्षेत्र के लोग हैं और खास तौर से जो हमारे जवान युवा भाई लोग हैं, आप लोगों को भी हमारे तरफ से जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मैं तो एक ही भाव से हमेशा गिरडीह आता था कि जब कभी रांची एयरपोर्ट में उतरे तो डुमरी होते हुए, पीरकांड होते हुए, गिरडी होते हुए बाबा के धाम में घुस जाएंगे। और आज आप लोगों के बीच में जब हम आए हैं तो हम आपको एक सूचना देने के लिए आए। आपको पता है इस समय बागेश्वर बालाजी की बड़ी कृपा लोगों पे बरस रही है। आप लोग भी एक बार प्रेम से हाथ उठा के बोलिए बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में बागेश्वर बालाजी के जो पीठाधीश्वर महाराज जी हैं वो तो गए हैं, लंदन भी गए, नेपाल भी गए, लेकिन अभी बाबा वैद्यनाथ धाम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। और बाबा वैद्यनाथ धाम से मुलाकात के लिए हम लोग आने वाले 2-3 नवंबर को इसी गिरिडीह में बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर शास्त्री जी आएंगे। अभी जो हमारे साथी वीडियो बना रहे हैं, बाबा जी समय बागेश्वर धाम में हैं। मैंने जब उनको बताया कि गिरिडीह के लोग आपको बहुत प्रतीक्षा से सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो बोले हम नहीं मानेंगे, हमको वीडियो बना के भेजिए तिवारी जी। तो आप सब लोग हमारे, वैसे तो हमारे गुरु भाई भी हैं, हम दोनों पंडित राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं, हमने उनसे संगीत सीखा और धीरेन्द्र शास्त्री जी राम भद्राचार्य जी से संस्कृत सीखे हैं मेरे भाई बहन। और जब वो ये वीडियो उनके पास जा रहा है तो मेरे गिरिडीह के भाई बहन, हमारे मीडिया के लोग, विनोद सिन्हा जी, गुरु जी यही विनोद सिन्हा जी देखा, इन्हीं से उस दिन आपकी बात कराए थे हम। कहते हैं बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की,
रहेगा कि बागेश्वर बालाजी को, बागेश्वर बालाजी को बैजू से मिलाना है। ऐसा करना है ना, बागेश्वर बालाजी को धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाना है। वैजनाथ धाम का दर्शन करा था। हे मेरे भाई बहन, आप लोगों के अंदर ही नहीं, इस समय पूरी दुनिया में सत्य सनातन का जो डंका बज रहा है, उसके लिए दो दो हाथ उठा करके आप सबका अभिनंदन होना चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं, हर बार कहते के बीच में जो हम आए हैं, तो हम आपको एक सूचना देने के लिए आए। आपको पता है इस समय बागेश्वर बालाजी की बड़ी कृपा लोगों पे बरस रही है। आप लोग भी एक बार प्रेम से हाथ उठा के बोलिए, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में बागेश्वर बालाजी के जो पीठाधीश्वर महाराज जी हैं, वो तो गए हैं, लंदन भी गए, नेपाल भी गए, लेकिन अभी बाबा वैद्यनाथ धाम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। और बाबा वैद्यनाथ धाम से मुलाकात के लिए हम लोग आने वाले 2-3 नवंबर को इसी गिरिडीह में बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर शास्त्री जी आएंगे। अभी जो हमारे साथी वीडियो बना रहे हैं, बाबा जी समय बागेश्वर धाम में हैं। मैंने जब उनको बताया कि गिरिडीह के लोग आपको बहुत प्रतीक्षा से सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो बोले हम नहीं मानेंगे, हमको वीडियो बना के भेजिए तिवारी जी। तो आप सब लोग हमारे, वैसे तो हमारे गुरु भाई भी हैं, हम दोनों पंडित राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं, हमने उनसे संगीत सीखा, और धीरेन्द्र शास्त्री जी राम भद्राचार्य जी से संस्कृत सीखे हैं मेरे भाई बहन। और जब वो ये वीडियो उनके पास जा रहा है, तो मेरे गिरिडीह के भाई बहन, हमारे मीडिया के लोग, विनोद सिन्हा जी, गुरु जी यही विनोद सिन्हा जी है, इन्हीं से उस दिन आपकी बात कराए थे। हम कहते हैं बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, और मेरा एक ही भाव रहेगा कि बागेश्वर बालाजी को, बागेश्वर बालाजी को बैजू से मिलाना है। ऐसा करना है ना, बागेश्वर बालाजी को धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाना है।
पूरा वो हिंसा चल रहा है, बनान तुम रेडी रहेगा मेरे लिए।